गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम फाइनेंशियल एनालिसिस एंड कंट्रोल इस सब्जेक्ट के अंडर जो कैपिटल बजटिंग का टॉपिक है, तो उस टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 13 सॉल्व करने वाले हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि मैडम, आप एनईपी 2023 के अनुसार कैपिटल बजटिंग के प्रॉब्लम सॉल्व करो, लेकिन ये सभी प्रॉब्लम जो है वो एनईपी 2023 के ही है। तो डोंट वरी, स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर 13। ये जो वीडियो है ये एमकॉम सेमेस्टर सेकंड, मतलब पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड, उनके लिए यूजफुल है और ऑल्सो बीबीए एमबीए एंड सीए के स्टूडेंट के लिए भी यूजफुल है, और अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जिनके सिलेबस में कैपिटल बजटिंग का टॉपिक होगा तो वो भी ये वीडियो फॉलो कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रॉब्लम देते वक्त सिर्फ टू लाइंस में प्रॉब्लम है, लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत बड़ा है। द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इज 32,400। एक प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 32,400। इट इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट कैश इनफ्लो ऑफ ₹16,000, ₹14,000 एंड ₹12,000 थ्रू आउट 3 ईयर्स, मतलब 3 ईयर्स उसकी लाइफ है, और 3 ईयर में 16,000, 14,000 एंड 12,000 इस तरह से कैश इनफ्लो आने वाला है। तो हमें कैलकुलेट करना है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ प्रोजेक्ट। तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करते वक्त हमें कुछ एजम्पशन करना पड़ता है, मतलब हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है वो कितने परसेंट है। तो हम 20% से स्टार्ट करते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। IRR बिगिन करते हैं हम 20% से। तो लेटेस्ट ट्राई रेट 20%, तो 20% से हम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने इसके पहले भी बहुत सारे वीडियोस में आपको ये जो कैलकुलेशन है कैसे करना है, कैसे के ऊपर ये बताया है, तो आप वो वीडियो देख लीजिए। कि यहाँ पर अभी हमें अगेन एंड अगेन कुछ कैलकुलेशन करने हैं। मैं एक बार आपको सिर्फ कैलसी शेयर करके दिखा देती हूँ कि ये परसेंटेज जो है, मतलब ये जो अमाउंट है वो किस तरह से आई है। ये जो 13,000 ये है, 13,328, 0.833, इस तरह से आई है। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ, बाद में जो आगे के हमें परसेंट लेने हैं वो मैं डायरेक्टली आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। तो एक बार मैं अभी कैलसी शेयर करके अमाउंट कैसे आई है वो दिखाती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर हमने 20% डिस्काउंटेड फैक्टर लिया है। देखिए, यहाँ पर ये जो डिस्काउंटेड फैक्टर है वो हमें 20% निकालना है। तो हम यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/1.20। तो आपको जितने परसेंटेज लेने होते हैं उसको 1 से आगे, पॉइंट के आगे लिखना है, मतलब अगर 15% हो गए तो 1.15, 5% होंगे तो 1.05, इस तरह से। तो यहाँ पर 20% का निकालना है, तो हमने फॉर्मूला लिखा 1/1.20 और एंटर कीजिए, मतलब इज इक्वल टू का साइन प्रेस कीजिए। तो यहाँ पर हमें आंसर आया 0.833। तो अगेन मैंने इज इक्वल टू का साइन प्रेस किया तो आंसर आया 0.694। अगेन इज इक्वल टू का साइन प्रेस किया 0.578, और आगे 7 है तो मैंने उसका 9 कर लिया है। तो इस तरह से हमें क्या करना है, जो इम्पैक्ट फैक्टर सॉरी जो डिस्काउंटेड फैक्टर है वो निकालना है। तो इस तरह से हमने ये डिस्काउंटेड फैक्टर्स जो है वो निकाल लिए हैं। अभी हम इस तरह से कॉलम करेंगे, फर्स्ट ईयर का, सेकंड कैश इनफ्लो का, जहाँ पर ऑलरेडी कैश इनफ्लो दिया हुआ है, थर्ड डिस्काउंटेड फैक्टर का जो हमने अभी अभी निकाला है, एंड ये जो कॉलम है लास्ट वन, यहाँ पर हमने मल्टीप्लीकेशन किया है, मतलब ये 16,000 ₹0.833 इसका मल्टीप्लीकेशन करके ये आंसर आया है। तो यहाँ पर हमने 2 × 3 इज इक्वल टू 4 इस तरह से लिख दिया है, मतलब सेकंड नंबर का कॉलम इंटू थर्ड नंबर का कॉलम इज इक्वल टू ये फोर्थ नंबर का कॉलम। इस तरह से हमने मल्टीप्लीकेशन करके ये अमाउंट निकाली। तो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन करके 9,769 है,
यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन करके 6948 आई। तो अभी इनकी टोटल की हमने, मतलब ये जो लास्ट कॉलम है इनकी टोटल की, तो ये टोटल आई 29,992। और हमने जो इन्वेस्टमेंट की है वो अमाउंट इससे ज्यादा है, मतलब 32,400 है। सो ये जो 20% का हमने जो एजम्पशन किया था वो डिस्काउंटेड फैक्टर नहीं चले। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अभी हम यहाँ पर देखिए डिफरेंस निकाल लिए हमने यहाँ पर कि नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस वैल्यू ऑफ कैश आउटले। मतलब जो प्रेजेंट वैल्यू आई है उसमें से हमने कैश आउटले माइनस किया, तो ये आंसर क्या आया है, माइनस में आया। तो हमें ये आंसर जब तक प्लस में नहीं आता या फिर इक्वल नहीं आता तब तक कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो यहाँ पर ये आंसर माइनस में आया है। तो हम क्या करेंगे कि 20% ये जो है ये हाई है रेट, तो इससे कम का लेना पड़ेगा। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू इन दिस केस इज नेगेटिव, इंडिकेटिंग दैट 20% इज हायर रेट एंड सो लोअर रेट शुड बी ट्राई। तो हम इससे लोअर रेट ट्राई करेंगे। तो 20% से कम के रेट, तो 2-2% से हमने कम किया, तो 18%, 16% एंड 14%। इस तरह से हम तीन रेट लेंगे अभी और वन टाइम इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पर हमने देखिए इस तरह से कॉलम बना है, पहला कॉलम ईयर का एज यूजुअल, सेकंड कॉलम कैश इनफ्लो का, थर्ड कॉलम डिस्काउंटेड फैक्टर 18% का, फोर्थ कॉलम प्रेजेंट वैल्यू, मतलब यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन होगा इन दोनों का, देन अगेन डिस्काउंटेड फैक्टर 16%, प्रेजेंट वैल्यू मतलब मल्टीप्लीकेशन होगा कॉलम नंबर 2 एंड कॉलम नंबर 5 का। यहाँ पर ऐसा मेंशन किया है हमने 2 × 5, इसीलिए हमने इस कॉलम को नंबरिंग किया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 7 नंबर के कॉलम में हमने डिस्काउंटेड फैक्टर 14% लिया और 8 नंबर के कॉलम में हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाली 2 × 7, मतलब कॉलम नंबर 2 × ये 7 नंबर का कॉलम। अभी ये जो डिस्काउंटेड फैक्टर है मैंने आपको कैलसी के ऊपर बता दिए थे किस तरह से निकालने हैं। तो जब 18% निकालना होगा तो आप कैलसी के ऊपर क्या कीजिए, 1/1.18 ऐसे टाइप कीजिए और एंटर का या फिर इज इक्वल टू का साइन प्रेस कीजिए, तो आपको आंसर आ जाएगा 0.847। यहाँ पर अगेन इज इक्वल टू का साइन प्रेस करेंगे तो 0.718, अगेन इज इक्वल टू का साइन प्रेस करेंगे तो 0.609। तो इस तरह से हमने 18% के लिए डिस्काउंटेड फैक्टर निकाल लिए। ईयर के कॉलम में 1, 2, 3 लिख दिया, कैश इनफ्लो के कॉलम में अमाउंट्स लिख दी जो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। तो यहाँ पर हाँ तो इस तरह से हमने 18% के डिस्काउंट फैक्टर निकाल लिए। अभी ये जो प्रेजेंट वैल्यू है ये निकालने के लिए 16,000 × 0.847 किया 13,552, देन 14,000 × 0.78 7,18 किया तो आंसर आया 10,052, एंड 12,000 × 0.609 किया तो आंसर आया 7,308। अभी इनकी टोटल की तो टोटल ज्यादा आई, मतलब टोटल हमारे पहले जो 20% का फैक्टर था उससे ज्यादा आई, लेकिन हमारी जो कैश इनफ्लो है सॉरी आउटफ्लो है उससे ये कम है। तो यहाँ पर हमने माइनस करके देखा 32,400 को, तो ये आंसर जो है वो माइनस में आ गया, -1488। तो ये जो 18% का फैक्टर है ये भी काम में नहीं आया। अभी हम क्या करेंगे 16% का फैक्टर यूज करके देखेंगे। तो 16% के फैक्टर के लिए हम जो आप कैलसी के ऊपर कैलकुलेशन करेंगे तो 1/1.16 करेंगे और इज इक्वल टू का साइन प्रेस करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.862, अगेन इज इक्वल टू का साइन प्रेस करेंगे तो 0.743, अगेन इज इक्वल टू का साइन प्रेस करेंगे 0.641। तो अभी मल्टीप्लीकेशन करना है तो आपको 16,000 × 0.862 करना है, तो आंसर आया 13,792। 14,000 × 0.743 करना है तो आंसर आया 10,402, एंड 12,000 × 0.641
41 करना है तो आंसर आया 7692। अभी इनकी टोटल की, तो इनकी टोटल आई 31,886। तो ये भी हमारे जो कैश आउटफ्लो था उससे कम है। तो 32,400 माइनस करके देखा तो आंसर अगेन माइनस में आया 514। तो ये भी इम्पैक्ट फैक्टर, सॉरी डिस्काउंटेड फैक्टर हमें काम नहीं आया। अभी नेक्स्ट हम डिस्काउंटेड फैक्टर यूज करके देखेंगे 14%। तो इसके लिए आप फॉर्मूला यूज कीजिए, 1/1.14 और इज इक्वल टू का साइन प्रेस कीजिए, आंसर आएगा 80.877। इज इक्वल टू का साइन प्रेस कीजिएगा, आंसर आएगा 0.769। इज इक्वल टू का साइन प्रेस कीजिए, आंसर आएगा 0.675। अभी मल्टीप्लीकेशन करना है 16,000 × 0.877, आंसर आया 14,032। नेक्स्ट हमने किया 14,000 × 0.769, आंसर आया 10,766। 12,000 × 0.675 तो आंसर आया 8,100। अभी इनकी टोटल की, तो इनकी टोटल आई 31,898। अभी इसमें से हमने 32,400 माइनस किए तो इसका भी आंसर अगेन माइनस में आया, लेकिन थोड़ी सी फिगर कम है, 498। तो हमारा जो 14% का जो डिस्काउंटेड फैक्टर है वो यूज करके 498 आया, और जो 16% का था वो यूज करके 514 आया। तो ये दोनों भी फिगर जो है वो माइनस में ही है, लेकिन वो कम है। तो हमने क्या किया कि इन दोनों के बीच में कौन सी परसेंटेज आती है, तो इन दोनों के बीच में आता है 15%। सो हमने क्या किया कि ये जो रेट है, रियल रेट, ये लाइज बिटवीन 14% एंड 16%। देयरफॉर हमने क्या किया, 15% का रेट जो है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न असर्टेन करके देखा। मतलब अभी हम 15% यूज करके टेबल निकालेंगे। तो यहाँ पर हमने 15% यूज करके टेबल निकाला। तो सेम हमें कैश फ्लो लिखना है 3 ईयर्स का। डिस्काउंटेड फैक्टर हमने यहाँ पर 15% के रेट से निकाला। फॉर्मूला हमने वही यूज किया, 1/1.15 इज इक्वल टू का साइन प्रेस किया, अगेन इज इक्वल टू का साइन प्रेस किया, अगेन इज इक्वल टू का साइन प्रेस किया, और ये अमाउंट निकाली। अभी मल्टीप्लीकेशन किया 16,000 × 0.870, आंसर आया 13,920। 14,000 × 0.756, आंसर आया 10,584। 12,000 × 0.658, आंसर आया 7,896। अभी इनकी टोटल करके देखिए तो ये एक्यूरेट 32,400 आई। मतलब हमारा इनफ्लो एंड आउटफ्लो सेम हो गया। नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या आई है यहाँ पर, माइनस करके 0 आई है। तो हमारा जो 15% का रेट जो है वो एक्यूरेट है। दस द नेट प्रेजेंट वैल्यू एट 15% रेट इज 0, विच इंडिकेट दैट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। दस इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 15% फॉर द प्रोजेक्ट अंडर रिव्यू। तो यहाँ पर हमारा ये जो प्रॉब्लम है ये कंप्लीट हुआ है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 13 नंबर का प्रॉब्लम हमने कंप्लीट किया है यहाँ पर। ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। पहले हमने 20% देखा, बाद में उससे कम के रेट लिए हमने। यहाँ पर ये प्रॉब्लम हमारा जो है वो कंप्लीट हुआ है। 14 एंड 15 नंबर का प्रॉब्लम मैं टुमारो अपलोड कर दूंगी। 15 प्रॉब्लम है टोटल इस बुक में। थैंक यू।